सुंदर मेरा यश सुंदर है सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है सीरत है, कैसी उसकी अजमत है अजमत है। सुंदर मेरा यश सुंदर है सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बात लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं कि हम उस त्यौहार में से गुज़र रहे हैं जो रेज़रेक्शन यानी ईद क़यामतुल मसीह कहलाता है, ईस्टर। और खुदा का शुक्र है कि हम ये दिन देख सके एक बार फिर से, और ख़ासकर इस बात के लिए कि हम फिर से उन सारे वाक़ियात पर गौर कर सके जो तारीख़ी तौर पर 2000 साल पहले यरूशलम के इलाक़ा में वाक़ हुए। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर दिए जाना और उनकी सारी वो ज़िल्लत और रसवाई और जो बेइज्जती और उनको जो मारा पीटा गया और जो सूली तक चढ़ा दिया गया और झूठी अदालत हुई, ये सब कुछ हमने इस पर गौर किया और देखा कि क्यों ये सब कुछ होने दिया खुदा बाप ने। खुदा का कलाम हमें याद कराता है यसाया में और दीगर जो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसीज़ हैं, 365 के करीब पेशेंट गोइयाँ की गई थी, प्रोफेसीज़ की गई थी खुदा मसीहा के बारे में कि वो कैसा होगा। ख़ासकर अगर हम गौर करें यसाया की किताब, जो प्रॉफिट है 700 कबल अज़ मसीह में, उसने लिखा, उसने अपने चैप्टर 52 और 53 में ख़ासकर उस मसीहा के बारे में, उस सफरिंग सर्वेंट की ऐसी तस्वीर पेश की है जिसमें वो बयान करता है कि क्या कुछ होने वाला है। उसने ये भी कहा था उसमें कि वो ऐसा चला गया जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहती, उसने कोई अपने मुंह से अपनी सफाई में कुछ ना कहा, लेकिन लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, बड़े बड़े जो बादशाह थे, गवर्नर थे, गवर्नर की बीवी है और दीगर जहाँ पर उनकी अदालत होती है, वो कहते हैं कि हम इसमें कोई दोष नहीं पाते हैं, सवाए मजहबी लीडरों के लिए, यहूदियों के मजहबी लीडर जो रातों रात ये फ़ैसला सुना चुके थे, हालांकि ये रात के वक्त होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शख्स कुफर बकता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा ठहराता है। और खुदा यीशु मसीह उनके साथ रहे 3 साल पब्लिक मिनिस्ट्री में, 3.5 साल उन्होंने देखा, बेशक सारी उम्र उन्होंने 33 बरस वहाँ पर उसी इलाके में, नासरत के इलाके में गुजारी, लेकिन पब्लिक मिनिस्ट्री में 3.5 साल उन्होंने सुनी बातें, ना सिर्फ सुनी बल्कि उनके काम देखे, उनके अजायबात, उनके करामात देखे, मौजजात देखे, सुपरनैचुरल पावर देखी जो उन्होंने दिखाई, बीमारी पर भी और कायनात पर भी, बदरूहों पर भी, और सब उनकी बातें सुनकर हैरान होते थे। बाइबल में लिखा है कि वो उनकी तालीम को सुनकर हैरान होते थे क्योंकि वो उनको साहिब इख्तियार की तरह, आम उस्तादों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह, समबडी हु हैज़ द अथॉरिटी टू स्पीक, जो कुछ वो कहता है उसको पता है कि क्या कह रहा है। सो ही वॉज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स, ही वॉज़ नॉट मेकिंग क्लेम्स ओनली, लेकिन वो हर उस दावे को पूरा भी करने वाले थे। अब खुदा मुझे यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ यरूशलम की तरफ, वहाँ मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है, मैं पकड़वाया जाऊँगा, मैं, मेरी अदालत होगी, मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, वहाँ पर मेरी मौत वाकई होगी और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठूँगा। ये सारी हकीकत जो थी, हम अब जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कितना आसान है ये सब कुछ मान लेना, लेकिन उस वक्त जो चेले उन हालात में से गुज़र रहे थे, उनके लिए सब कुछ बिलीव करना ही बड़ा मुश्किल था क्योंकि खुदावंद मसीहा उनके साथ थे, उनको पता था कि वो यहाँ हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह
सलीब पर दे दिए जाते हैं, जो खुदा के प्लान के मुताबिक, निज़ाम के मुताबिक, उसके हिसाब किताब के मुताबिक हमारी इंसानों की मुक्ति के काम के लिए यीशु मसीह ने जो काम किया सलीब पर, उन्होंने एक कलमा कहा, तमाम हुआ, यानी वो काम जो खुदा बाप ने मुझे कहा था करने को वो मैंने तमाम कर दिया। आए खुदा बाप, तेरी मर्ज़ी पूरी हो, मेरी मर्ज़ी नहीं। एंड ही वाज़ सो ओबीडिएंट, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस मिलकर एक मुक्ति का काम दुनिया के लिए कर रहे थे। और आज हम देखते हैं कि उसकी वजह से दुनिया की एक तहाई जो आबादी है वो इस बात को मान चुकी है, उसको एक्सेप्ट करके वो उस हमेशा की ज़िंदगी के वादे में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि खुदा यीशु मसीह वाकई उनके लिए। और मैं कहता हूँ कि जब पर्सनलाइज करते हैं कि मेरे लिए वो सलीब पर मर गए, और मैं जब उस काम को अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ, यानी उसको अपने लिए अपना लेता हूँ, उस पर मैं भरोसा और ईमान रख के कहता हूँ, हाँ खुदा तूने जान दी, तूने तो कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन तू मेरे लिए मुआ, और मैं तेरा शुक्र करते हुए उस कुर्बानी को अपने लिए लेता हूँ, और उस वादे को भी, उस तोहफे को भी, उस अजर को भी, उस रिवॉर्ड को भी जो इसके वसीले से मुझे मिलता है, कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो नाश ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक। तो ये मैं सब कुछ अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ। सो खुदा का शुक्र कि जो कुछ हुआ वो उस वक्त की बात है, लेकिन मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से आलमों ने, बहुत से क्रिटिक्स ने ये कोशिश की है कि इस बात को झुठलाएं कि खुदा यीशु मसीह ना तो मरे और ना ही जी उठे। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ बाइबल से, क्योंकि ये बाइबल की बातें यीशु मसीह की किताब में से ही हमें देखनी चाहिए। यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, उसकी जो सारी सीरत है, उनके जो काम है, वो अनाजील में सबसे फाउंडेशनल बुक जो है वहाँ पर लिखी हुई है। और बाइबल मुकद्दस जिनके आप 66 जो किताबें हैं उनका आपस में लिंक कैसा है, कि पुराने अहदनामे में उनके बारे में कहा गया था, नए अहदनामे में उनका आना हुआ और उन वादों की और उन प्रोफेसीज की तकमील हुई। तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह तो मरे नहीं थे सलीब पर। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मरे क्योंकि रोमी हुकूमत के अहद में ये सब कुछ हो रहा था। यहूदी ऐसा लोगों को क्रूसीफाई नहीं कर सकते थे, वो अगर किसी को मारना होता तो उसको संसार करते थे, लेकिन उन्होंने इसीलिए रोमी गवर्नर पिलातुस से इजाज़त ली, और फिर वही थे जो इख्तियार रखते थे कि वो किसी को क्रूसीफाई कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पेशेंटगोई की गई थी कि वो लानती बनेगा, और लकड़ी पर जो भी लटकाया जाता है, यानी सलीब पर जो भी लटकाया जाता है, वो लानती होता है। तो हमारी लानत खुदा यीशु मसीह पर आई, हालांकि उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसमें कोई दोष किसी ने साबित नहीं किया था, सवाई झूठी गवाहियों के जो मजहबी लीडरों ने कराई थी। लेकिन खुदावंद अपने कहने के मुताबिक सलीब पर गए और मुए, और उस वक्त का जो वहाँ पर जिम्मेदार ऑफिसर था, सेंचुरियन, रोमी हुकूमत का सूबेदार जिसकी निगरानी में ये सब कुछ होना था, उसने इस बात की तस्दीक की जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आए पाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। तो उसने तस्दीक की इस बात की कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मुए, क्योंकि दो डाकू जो उनके साथ थे उनकी टांगें तोड़ी गई थी, वो अभी तक मुए नहीं थे। इसलिए टांगें तोड़ी जाती थी ताकि वो जल्दी अपनी करब में, अपनी तकलीफ में जल्दी जान दे दें, क्योंकि शाम से पहले, क्योंकि सैबत होने वाला था, उनका पाक दिन होने वाला था जिसमें वो कोई काम नहीं करते थे यहूदी, इसलिए उनको ये लाशें उठानी थी अपने, और इनको सलीब से उतार कर जहाँ भी दफन करना है उनको करना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आए तो उस सूबेदार ने कहा कि ये तो मर चुके हैं, एंड देन ही अटर्ड अ क्लेम, उसने एक बहुत बड़ी बात अपने मुँह से कही, और उसने कहा कि ये दर हकीकत खुदा का बेटा है, बिकॉज जीसस सेड इट, बाप इनको मुआफ़ कर, वो सुन रहा था, पहला कलमा उन्होंने कहा था, और फिर आखिरी कलमा कहा, आए बाप मैं अपना आप अपनी रूह तेरे हाथ में देता हूँ। नाउ जीसस सेड कि मुझे इख्तियार है अपनी जान लेने का भी और उसको दे देने का भी।
स्टिफनेस जब मरने लगा, एक और चेला था खुदा यीशु मसीह का, जब वो शहीद किया गया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे हवाले कर, तो उसने कहा खुदा मेरी रूह को कबूल कर। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खुदावन आई गिव माई सेल्फ टू यू, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी हैं, वो खुदा होते हुए कहते हैं खुदावन जो काम किया वो मैंने पूरा कर दिया जो तूने दिया, और अब मैं अपना आप तेरे हवाले करता हूँ, आई एम कमिंग बैक टू यू। एंड ही डिड, क्योंकि डाकू को उन्होंने कहा, जो एक उनकी एक तरफ था, उन्होंने कहा था कि मुझे याद रखना जब तू अपने राज में आ जाए, तो उन्होंने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। सो जीसस न्यू वेयर ही वाज गोइंग एंड उनके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग आज और कल की बात करते हैं, लेकिन गॉड इज़ इटर्नल, उनके लिए टाइमों की कोई हदूद नहीं होती है। सो ही सेड टुडे यस यू विल बी विद मी एंड ही वाज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि वो कहाँ से आए थे और उन्होंने कहाँ जाना था। यूहन्ना 13 बाब में बड़ी सफाई के साथ उन्होंने कहा कि मुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे ये भी पता है मैं कहाँ को जा रहा हूँ। और आज हमारा विश्वास है कि खुदा यीशु मसीह जिंदा होकर वापस उसी जगह पर चले गए, जलाल की जगह पर जहाँ पर वो थे बाप के साथ उस जलाल में। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ज़िंदा होने के बाद देखा, चंद लोगों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ और बाइबल मुकद्दस में से आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। पहली शख्स, पहली औरत जिसने जिंदा मसीह को देखा वो थी मरियम मगदलीनी। यूहन्ना की अंजील उसके 20 बाब में 14-18 में आप पढ़ सकते हैं। वो परेशान होकर खुदा यीशु मसीह को देखने आती कब्र पर, क्योंकि जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो गया था, तो हफ्ता के पहला दिन सबत को तो आ नहीं सकते थे, कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता था सबत को। हफ्ता के पहला दिन यानी तीसरे दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, और तीसरे दिन उन्होंने आके खुदा यीशु मसीह को ढूंढना चाहा, लेकिन कब्र खाली, पत्थर लुढ़का हुआ। और फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह वहाँ पर आकर इस बड़ी दुखी और गमजदा औरत के साथ बात करते हैं। उसने सोचा कि ये कोई माली है यहाँ का, और उसको कहने लगी कि कहाँ रखा मेरे मसीहा को तूने, मुझे बता दे ताकि मैं उसको ले जाऊँ, क्योंकि कब्र खाली थी, पत्थर लुढ़का हुआ था। और फिर वो शख्स जिसको वो बागवान समझती थी, माली समझती थी, उसने कहा मरियम, और एकदम मरियम ने पहचान लिया कि ये तो मेरा मसीहा है, मेरा खुदावंद है। और उसने कहा रबूनी, आए मेरे उस्ताद। और मरियम ने उसको छूना चाहा, प्रभु ने कहा कि ना, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी अपने बाप के पास और तुम्हारे बाप के पास ऊपर वापस नहीं गया, लेकिन जा मेरे भाइयों को जा के बता दे कि मैं जी उठा और उनको मिलूँगा। और फिर उन औरतों को खुदा यीशु मसीह मिले जो आई थीं खुशबूदार चीज़ें लेकर। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। What a declaration! He said it. He knew what he was doing. प्रभु यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठे थे और कहने लगे आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलामती हो तुम्हारी, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। Isn't that powerful? खुदा यीशु मसीह को कब्र और मौत, रोमी हुकूमत, यहूदी लीडरशिप अपने कब्जा में नहीं रख सकते थे। चेनें खुल गईं, दरवाजे खुल गए, पत्थर लुढ़क गया जिसको सील किया गया था रोमी हुकूमत के तहत,
बड़ा भौंचाल आया, खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठे और इन लोगों को नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसी दिन पतरस को नजर आते हैं। पतरस, लूका की अंजील उसके 24 बाब में इसका जिक्र आता है। वो कह ही रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमाउन को दिखाई दिया है। और फिर हम देखते हैं कि पतरस के बाद उन दो शख्सों को जो इमाउस की राह पर जा रहे थे, ये दो चेले थे खुदावंद यीशु मसीह के, यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। वो सब उन बातों की बाबत बातचीत हो रहे कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ हो लिया, जिंदा मसीह उनके साथ चल रहा है। एंड दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, बिलीव ही नहीं करते जब हम, तो फिर हम, क्योंकि अनहोनी सी चीज़ होती है कि यीशु मसीह मर गए हैं, उनका कब्र में रखा गया था। एंड दे टॉकिंग अबाउट दैट, कैसा था नबी, क्या कुछ उसने किया और यहूदियों ने क्या उसके लिए कर दिया। उनके दिल गमगीन थे। यीशु ने उनसे पूछा, क्या माजरा, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने कहा, तू अकेला मुसाफिर है जिसको सब कुछ मालूम नहीं जो इन दिनों में हुआ है। उसने उनसे कहा, क्या हुआ है। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक कलाम और काम में कुदरत वाला नबी था। आगे चलते हैं, अगर आप कहानी पढ़ें लूका 24 बाब में, तो शाम होने वाली थी, दिन ढल गया था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ रह जा थोड़ी देर के लिए। उनके साथ अंदर गया और उनके साथ खाना खाने बैठा, तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा, तो फिर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने कहा और उसको पहचान लिया कि ये तो यीशु है। एंड ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम देम। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं, खुदावंद हमारे साथ होते हैं। वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम समटाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी महदूद सी सोच और बसीरत और आंखें होती हैं। ही इज ऑलवेज विद अस, वी कांट रिकॉग्नाइज हिम, वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है, अपनी सोचों का पर्दा, अपने इल्म का पर्दा, अपने बिलीव्स का पर्दा। जिंदा खुदा हमारे पास आकर हमसे बात करना चाहता है। एंड दे वर सो थ्रिल्ड। और फिर आपस में कहने लगे, क्या जब वो हमसे बातें कर रहा था हमारे दिल गर्मा नहीं गए थे। वी फेल्ट द प्रेजेंस, वी फेल्ट द वार्मथ ऑफ गॉड। बट खुदा मुझे यीशु मसीह उनको अपना आप दिखाकर चले गए। एक दफा उसी शाम अपने चेलों के पास आए और उस वक्त एक शख्स तूमा, उनका चेला, उनके साथ नहीं था। खुदावंद ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, उनको बरकत दी, सलामती दी। तूमा को बताया, तूमा ने कहा कि मैं यकीन नहीं करने वाला जब तक मैं खुद उसके हाथों और पाँव को चेक ना कर लूँ। एंड वन वीक लेटर जीसस शोड अप एंड थॉमस वाज देयर टू। और खुदावंद ने कहा, तूमा मैं इधर हूँ, आ और मेरे हाथ चेक कर ले, मेरे पाँव में कीलों के निशान देख ले, मेरी पसली को आकर छू ले, उसमें उंगली डाल के देख ले जहाँ पर भाला लगाया गया था। इट इज़ मीन, शक ना कर। तूमा कहने लगा, खुदावंद आए मेरे खुदा, और अब उसके सामने झुक गया। तो उस दिन खुदावंद ने एक बड़ी स्टेटमेंट कही। उसने कहा कि तू तो अब देखकर ईमान लाता है, मुबारक है वो जो देखते भी नहीं और वो ईमान लाते हैं। एंड वी आर वन ऑफ दोज पीपल, वी हैवन सीन हिम, वी हर्ड इट, वी बिलीव द अकाउंट। हम जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उस पर विश्वास रखते हैं और हम उन लोगों में शामिल हो गए जो मुबारक हैं, जिन्होंने देखा भी नहीं फिर भी ईमान लाते हैं। खुदा मुझे इस मसीह तो दिखाई दे सकते हैं ना, जिंदा खुदा लोगों को दिखाई दिए हैं। वो लोगों से बातें करते हैं, पलूस के साथ बातें की, स्टिफनेस ने देखा जब मरने वाला था, शहीद हो रहा था, उसने कहा कि मैं खुदा खुदा को
जलाल में खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। एंड देर आर सो मैनी अदर इवेंट्स दैट वी कैन टॉक अबाउट, लेकिन मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ कि जिंदा मसीह अपने आप को लोगों पर जाहिर करता रहा जब से वो जी उठा, और 2000 साल हो चुके हैं, ज़माने बदल गए, जिंदगियाँ बदल गईं, मेरी ज़िंदगी बदली बिकॉज जिंदा मसीह हमारे साथ चलता है। वो हमें अपना आप दिखाता है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ही वॉक्स विद मी, ही टॉक्स विद मी अलॉन्ग लाइफ्स नैरो वे। आई नो ही लिव्स बिकॉज ही लिव्स विद इन माई हार्ट। कैन यू से दैट टू? इफ नॉट यू कैन एक्सपीरियंस दैट, आप भी ऐसा तजर्बा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।